ज्ञान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरिओम जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति जब मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, जैसे पहले भी हमने बताया कि वो व्यक्ति का मृत्यु से एक संघर्ष चलता रहता है कि मृत्यु आने वाली है, उसके पहले उसको कुछ कर ले। मृत्यु आने वाली है उसके पहले कुछ कर लेना, उसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु तो आने ही वाली है, चाहे वो आ जाए कल आए, लेकिन उसके पहले उसको कुछ कर लेना है। उसको कुछ करना है, मंत्र जाप की दिशा में कुछ कर लेना है, ध्यान की दिशा में कुछ कर लेना है, कुछ ना कुछ कर लेना है। अगर वो कुछ कर लेता है, कुछ उसकी उपलब्धि हो जाती है, तो उसको उसका कुछ लाभ मिलेगा, मरणोपरांत मिलेगा, मरने के पहले मिलेगा, पर कभी ना कभी उसको लाभ मिलेगा। अगर वो उस प्रयास में सफल नहीं हो पाता है और मंत्र जाप ध्यान की दिशा में सफल नहीं होता है, तो उसके द्वारा किया हुआ प्रयास निष्फल चला जाएगा या वेस्ट चला जाएगा। आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति यानी भौतिक जगत में जिसको धनी कहते हैं, वो धनी व्यक्ति हो, उसके पास 2 करोड़ रुपए है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है, उसके पास 2000 करोड़ रुपए है, या उसके पास सिर्फ एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति का जब अंत होता है तो वो एक ही तरह से होता है, और व्यक्ति उसका शरीर छूट जाता है, उसमें से चेतनता आत्मा निकल जाती है और वो व्यक्ति का बॉडी फ्री हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेडिकली फ्री हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन उसने जो किया, उसके साथ जो उसने मंत्र जाप किया, ध्यान किया, जप किया, साधना की, जितना भी उसके श्वास के साथ उसने कुछ कृत्य किया, क्रिया की श्वास के साथ की, वो श्वास उसके साथ जाती है, वही चेतनता जाती है, वही आत्मा उसके साथ चली जाती है। अब ये चीज के अंदर कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति है चीज जन्म के साथ, जब से उसको 3 साल 5 साल की उम्र होती है, उसको ये बात की समझ होती है कि हाँ ये बात सच्ची है। अब कोई व्यक्ति उस दिशा में प्रयास करता है, प्रयास करने में कोई व्यक्ति गलत दिशा में भटक जाता है, तो 5 साल इधर कोई चीज़ का प्रयास किया, 5 साल इधर कोई चीज़ का प्रयास किया, 2 साल इधर प्रयास किया, 10-12 साल के अंदर उसका जिंदगी 60-62 साल की उम्र में पहुंच जाता है, या वो ख़त्म होने के कगार पे होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पहले शुरू करता है तो भी उसका 20-22 साल इसमें चला जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक तो कोई समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे क्या मिलने वाला है, या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे क्या उपलब्धि मिलने वाली है, तब तक उसका जीवन क्षय हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति पहली बात तो कि उसका मन उस दिशा में लगे, वो ये बात समझे कि उसका शरीर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है, तो उसको जितना जल्दी हो सके प्रयास करते रहना चाहिए, जितना जल्दी हो सके मंत्र जाप ध्यान साधना की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि व्यक्ति इस कही हुई वर्ड माया से उससे बाहर निकलता है तब वो कोई चीज़ शुरू करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं, उसका मैं ख़त्म नहीं हुआ है, उसका मैं उसके अंदर है, कि वो जो मैं है, कि ये मेरा सोफ़ा है, ये मैं सोफ़ा लेके साथ में जाऊँगा, ये फैक्ट्री मेरी है, ये मैं साथ में लेके जाऊँगा, ये किला मेरा है, मैं साथ में लेके जाऊँगा, तो वो उसी के साथ चलता रहता है। फिर वो 58-50-60 की उम्र में बाद में उसकी आँखें खुलती हैं, जिसके अंदर बच्चे उस वृद्ध व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, मंदिर को उधर छोड़ देते हैं, और मंदिर को उधर छोड़ देते हैं, वहाँ पे मंदिर पे वो माला फेरता रहता है, जाप करता रहता है। फिर वो बोलता है कि धीरे धीरे मालूम पड़ता है क्या हुआ, बोले फले फला बंसी राम जी तो ख़त्म हो गए, फिर 60-62 साल की उम्र में ख़त्म हो गए। अब ये चीज़ के अंदर उसने अपनी बॉडी के साथ जब तक वो जीवित था तब तक वही एक्सपेरिमेंट किया, उसने किया कि आज जो उसका मैं का था वो मैं का फैक्टर उससे छूटा नहीं, उसने लगा रहा, बचा कुछ टाइम था तो उसने उस दिशा में बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया तो बहुत देर प्रयास किया, और जब तक वो
इधर 4 साल भटकता रहा, उधर 4 साल दूसरा चीज को टारगेट किया कि ये 4 साल यहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा, 4 साल यहाँ से कुछ कुछ मिल जाएगा। मालूम पड़ा 60-62 साल की उम्र हो गई और उसका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति उससे समय, पहली बात प्रयास करे, उसका मन बने, मन बनता है और उससे समय प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद उसको वास्तविक चीज मिले। आपको किसी व्यक्ति ने ये बता दिया कि ऐसा करने से इस तरह से भगवान की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति ने उस चीज को प्रयास किया, कोशिश किया, प्रयास किया, कोशिश किया, उस चीज को समझने में कि वो सही है कि गलत है, 4 साल लग गए। 4 साल के बाद वो व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पकड़ी, वहाँ पे फिर से 3 साल लगाए। 3 साल करने के बाद वो 3 साल करने के बाद उस चीज को भी छोड़ दिया, उसकी जिंदगी के 7 साल बर्बाद हो गए। कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपना समय व्यतीत करता है, अपने को सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ ये चीज से इसका समय बीत रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी के 7 साल बर्बाद हो गए। व्यक्ति 60 की कगार पे पहुंच गया, 53 की उम्र में चालू किया, 60 की कगार पे पहुंच गया, और 60 साल के बाद यमराज के दूत और यम के दूत आए और बोले चलो हिसाब हो गया। तो व्यक्ति को, हमारा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को नियमित ये लिखते रहना चाहिए कि उसने कितने घंटे जाप किया, कितने घंटे ध्यान किया, कितना मंत्र जाप किया, लिखते रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें याद तो रहता है कि हाँ हमने इतनी देर मंत्र जाप किया, इतनी देर ध्यान किया। समझ रहे हैं? जैसे हम कोई जगह पे जाते हैं और डॉक्टर को हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हार्ट में यहाँ पे दुख रहा है, डॉक्टर साहब हमारे को डायबिटीज़ हो गया है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसके पहले जिन जिन दवाखाने में आप गए उसकी फाइल तो होगी, वो फाइल हमें दिखाई। जब वो फाइल देखता है तो बोलता है अच्छा, फला डॉक्टर के पास आप गए थे, वो डॉक्टर से आपने 4 साल ट्रीटमेंट कराया, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने 3 साल ट्रीटमेंट कराया, अब हमारे पास आए। समझ रहे हैं चीज को? उसी तरह से दी मेडिकल हिस्ट्री वो चीज़ जानने की वो कोशिश करता है कि इसके पहले आपका मेडिकल में क्या हिस्ट्री था, क्या क्या ट्रीटमेंट आपको मिल चुकी है। उसी तरह से जब आप ये चीज़ लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, जब जितना जल्दी हो सके कोशिश करना चाहिए, हर एक व्यक्ति का मृत्यु के साथ संघर्ष चल रहा है, उसको कोशिश करना चाहिए कि वो जब तक सही डॉक्टर के पास पहुंचे, जब तक सही चीज़ वो हाथ में उसके आए, तब तक उसको जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। कोई भी व्यक्ति है, जैसे अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले की खबर है, सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय का डेथ हो गया, सुब्रत राय का डेथ हो गया, उनके पास किसी चीज़ की पैसे की कमी थी, नहीं कमी थी, फिर भी उनकी मृत्यु आई और उनको लेके चली गई। तो वही बात है कि जब इतने बड़े पैसे वाले व्यक्ति को मृत्यु ले जा सकती, किसी को भी ले जा सकती है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई बड़ी हस्ती हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको मृत्यु लेके जाती है। तो मृत्यु लेके जाती है तो जब उनको लेके जा सकती है, तो अगर कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, कोई 2-5 करोड़ का मालिक है, या कोई व्यक्ति नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो उसको समझना चाहिए कि उसको भी प्रयास करते रहना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको उपलब्धि मिले, जितना जल्दी हो सके उसको उस चीज़ की प्राप्ति हो जिसके लिए मानव शरीर मिला है, और वो चीज़ को अगर वो पा लेता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बार बार बदलने से कुछ नहीं होता, डॉक्टर बार बार बदलने से कहीं ना कहीं एक बार जाके व्यक्ति रुक जाता है। इसीलिए व्यक्ति को जो भगवान की दुनिया में प्रवेश के लिए जो वह कोशिश करता है, उस चीज़ को उसको ध्यान में रखना चाहिए, और वही कोई ऐसा डॉक्टर पकड़ लेना चाहिए जिससे भगवान की दिशा में आगे बढ़ो और कुछ चीज़ पा लो। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ पा ली तो वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपने अगर कोई चीज़ नहीं पाई तो बाकी सब बातें हैं। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।